नमस्कार बच्चों बच्चों अब हमारे आ रहे हैं यूट्यूबन एग्जाम। सो इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो वी वर डूइंग द रिविजन ऑफ चैप्टर 3 and 4। चैप्टर 3 वॉज अबाउट द महाभारत स्टोरी एंड द चैप्टर 4 वॉज अबाउट द थिंकर्स एंड द स्तूपाज ऑल्सो, जिसमें हमने सांची का स्तूप जो कि एमपी में है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में जाना था और उनके प्रिजर्वेशन के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, किन्होंने बनाया, कब फाउंड हुआ, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 3 का कुछ पार्ट, जिसमें उन पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में, उन प्लेसेस की इम्पोर्टेंस कैसे क्या रही उसके बारे में, और इसके साथ ही जो जो मैरिजेस थी, जो हमारे ब्राह्मण वेद वगैरह हुए हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र हुए हैं, उनमें मैरिजेस के टाइप क्या थे उनके बारे में, वर्ण के बारे में, और महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि बिकॉज दिस टाइम क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम द एमसीक्यूज, तो यू हैव टू क्लिक द आंसर अकॉर्डिंगली, आपको उसका आंसर क्लिक होना चाहिए। जैसे कि इन महाभारत चैप्टर 3, अगर हम थोड़ा सा उसको समअप करें, समराइज करें, दिस इज द स्टोरी ऑफ द कौरवाज एंड द पांडवाज। कौरव और पांडव की स्टोरी है ना, और कौरव के जो राजा थे कौन से थे, वो धृतराष्ट्र थे जो कि ब्लाइंड थे, उनकी वाइफ का नाम क्या था, गांधारी था। ऐसे ही पांडु जो थे वो उनके कज़न थे, और उनके 5 पुत्र थे। कौन कौन से 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पुत्र पांडु के थे। तो वैसे धृतराष्ट्र एल्डर थे, बड़े थे, बट उनकी ही वॉज ब्लाइंड, तो ही कुडंट सी, इस वजह से उन्होंने जो राज था वो पांडु को दे दिया। पर आफ्टर द डेथ ऑफ पांडु अगेन ही बिकेम द किंग। पर जो उनके बेटे थे धृतराष्ट्र के, जिसको दुर्योधन कहा गया, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि वाई ही कैन नॉट बी द किंग, कि वो राजा क्यों ना बने, क्यों पांडव के जो बेटे हैं पांचों, युधिष्ठिर हों, चाहे वो भीम हो, अर्जुन हो, नकुल हो, सहदेव हो, उनको इंपॉर्टेंस दी जाए। इस बात को लेकर कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था द्रौपदी ने। द्रौपदी कौन थी, द्रौपदी वॉज द वाइफ ऑफ पांडवाज। कैसे हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। द्रौपदी जो कि पांचाल नरेश, पांचाल के जो किंग थे जिनका नाम था द्रुपद, उनकी बेटी थी। वेन द पांचाल किंग द्रुपद ऑर्गेनाइज्ड अ स्वयंवर, उन्होंने एक स्वयंवर जो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भीम जो अर्जुन थे ही वेंट देयर, और अर्जुन ने वहाँ पे जो शर्त थी, कंडीशन वॉज, एक मछली थी जो दैट वॉज रिवॉल्विंग, उसकी आइस पर एरो करना था, टारगेट करना था, जो कि अर्जुन ने कर लिया, एंड उनकी जो मैरिज थी उससे अर्जुन से किया गया। वेन अर्जुन केम बैक टू होम, एंड इट वॉज ट्रेडिशन कि भाई जो कुंती थी, कुंती वो वॉज द मदर ऑफ पांडवास, उनसे पूछा कि भाई देखिए मैं क्या लेके आया हूँ, तो उनकी ट्रेडिशन था कि वॉट एवर दे यूज टू ब्रिंग दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल। तो अब बोले जो भी लाए हो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अब मदर की आदेश, उनकी कमांड, उस समय की कल्चर, उनके एथिक्स, उनका जो ओबीडियंसी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, वो जो वाइफ लाए थे द्रौपदी, वो इस तरह से पांचाली बन गई, पांचों जो ब्रदर थे उनकी वाइफ। तो ये एक अलग तरह के विवाह का, मैरिज का एग्जाम्पल है जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद भीम की जो वाइफ थी वो हिडिम्बा थी, हिडिम्बा जो कि राक्षस फैमिली से थी, एंड द सन वॉज घटोत्कच, घटोत्कच उनके बेटे का नाम था। तो ये पर्टिकुलर टर्म्स जो है कई बार आ जाते हैं, किसका नाम क्या था, कौन किसका सन था, कहाँ से बिलोंग करते थे, वो सब बातें आपको प्रॉपर लर्न होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द सिस्टमेटिक रिविजन, लाइक लुम्बिनी, पहले हम बुद्ध की बात करी थी हमने, तो लुम्बिनी कौन सी जगह, सपोज आ गया कि वॉट इज द प्लेस ऑफ लुम्बिनी, तो लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ। देन बौद्ध गया, बौद्ध गया कौन सा प्लेस है, जहाँ बुद्ध ने एनलाइटमेंट, जो आपका ज्ञान था वो प्राप्त किया, द प्लेस वॉज बौद्ध गया। देन सारनाथ, सारनाथ क्या था, जहाँ पे उन्होंने पहला सरमन, पहला डिस्कोर्स जो था वो डिलीवर किया, सारनाथ वॉज अ प्लेस। हमने ये भी देखा था बुद्ध में कि हमेशा ऐसा नहीं होता था कि जो आइडल्स थे उनकी वर्शिप की जाए, खाली जो एम्प्टी प्लेस है वो, लोटस है वो, व्हील है वो सारे सिंबल जो थे बुद्ध रिलीजन को सिंबलाइज कर रहे थे, बता रहे थे। और बच्चों दो बातें हमने बुद्ध धर्म में और भी पढ़ी थी, हीनयान और महायान। हीनयान मतलब क्या हो गया आपका, स्मॉलर व्हीकल, और महायान बिगर व्हीकल।
इसका लिटरेरी मीनिंग तो ये है, बट हीनयान जो ट्रेडिशनल बातों में बिलीव करते हैं, महायान जो ओपन माइंडेड है, मॉडर्न जो नए विचार हैं उनको भी वो उसमें इन्वॉल्व करते हैं, मतलब ब्रॉडर थिंकिंग। देन कुशीनगर क्या था, जहाँ पे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो क्या कौन सी जगह हो गई, लुम्बिनी। लुम्बिनी में दैट वॉज द बर्थ प्लेस बौद्ध गया, वेयर अटेंड एनलाइटमेंट सारनाथ डिलीवर फर्स्ट सर्मन, कुशीनगर जहाँ पे उनको निर्वाण मिला। अब एंडोगामी, एंडोगामी एक मैरिज का टाइप क्या होता है, एंडोगामी में विद इन यूनिट, व्हेन द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम बोथ आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड एंडोगामी। देन एक्सोगामी, एक्सोगामी व्हेन आउटसाइड द यूनिट, ब्राइड और ग्रूम जो हैं वो सेम यूनिट के नहीं हैं, यूनिट के नहीं हैं, बाहर शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, दैट इज एक्सोगामी। पॉलीगामी, पॉलीगामी मोर देन वन वाइफ, कि एक से कहीं ज़्यादा रानियाँ, जो पहले हमारे राजा रानियाँ हुआ करते थे, चाहे वो अकबर हो या कोई और हो, या भगवान कृष्ण भी हो, कहा गया 16,000 उनकी रानियाँ थी, तो बहुत सारी जो रानियाँ जिनकी होती हैं, बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीगामी। एंड पोलेंड्री, पोलेंड्री मोर देन वन हस्बैंड, जैसा कि देखा हमने किसका, द्रौपदी का, द्रौपदी जो पांचाली पांचाल नरेश की जो वाइफ थी। तो अब आप देखें कि दीज आर द टाइप्स, ऐसे हमारे स्मॉल क्वेश्चन बन सकते हैं, आइडेंटिफाई द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, कौन सा हो गया, लुम्बिनी हो गया, या आ गया अटेनमेंट कहाँ, अटेंड एनलाइटमेंट कहाँ हुआ उनको, बौद्धगया में हो गया, फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया उन्हें, सारनाथ पे दिया, कहाँ उनको निर्वाण मिला, कुशीनगर में मिला। तो जब एक यूनिट पे शादी होती क्या कहते हैं, एंडोगामी, आउटसाइड ऑफ यूनिट कहते हैं एक्सोगामी, एक से ज़्यादा वाइफ होती है तो क्या होती है, पॉलीगैमी, वन मोर देन वन हस्बैंड होते तो क्या कहते हैं, पॉलेंड्री। तो इस तरह के टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब बात अगर हम वर्णास की करते हैं, वर्ण कौन से बताए गए हैं, चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ब्रह्मा के मुख से हुई है, देन इनके चेस्ट से हुई है, देन इनके लेग अपर पार्ट से हुई है, देन इनका लेग से हुई है। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ब्राह्मण क्या काम है इनका, दे विल परफॉर्म पूजा, पूजा करना, यज्ञ करना, या फिर टीचिंग करना, ये काम किनका है, ब्राह्मण का। क्षत्रिय क्या करेंगे, युद्ध में लड़ेंगे, वारफेयर का वर्क होता है, रक्षा का वर्क होता है, स्टडी का वर्क होता है। वैश्य क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। शूद्र क्या करेंगे, इन तीनों की सेवा करेंगे, सर्व करेंगे। ऐसा धर्मशास्त्र में कहा गया दैट द होल पर्टिकुलर कमिटी इज डिवाइडेड टू फोर पार्ट, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होता है वो सुपर, वो सबसे ऊंचा वर्ण होता है, एंड व्हाट दे यूज टू डू, क्या करते हैं वो, पूजा करते हैं, और जो स्टडी का काम करते हैं वो करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। क्षत्रिय क्या करते हैं, वो युद्ध का कार्य करते हैं, स्टडी भी करते हैं। वैश्य क्या करते हैं, दे यूज टू ट्रेड, ट्रेड बिजनेस काम किसका होता है, वैश्य का होता है। और शूद्र क्या करते हैं, इन तीनों की सेवा करते हैं। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ विवाह, कौन कौन से विवाह होते हैं हमारे शास्त्रों में, क्या लिखे हैं, ब्रह्म विवाह। देखिए आप क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज कहते हैं कि पूजा पाठ का काम कौन कर रहे थे, ब्राह्मण कर रहे थे, वारफेयर का वर्क, सेफ्टी वर्क कौन कर रहे थे, क्षत्रिय कर रहे थे, ट्रेडिंग का वर्क कौन कर रहे थे, वैश्य कर रहे थे, और जो इन तीनों की सेवा कर रहे थे या जो लोअर कास्ट के थे वो कौन थे, शूद्र थे। इसी तरह हमारे यहाँ जो पूरी लाइफ जो है वो चार आश्रम में बांटी गई है, कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम कब तक, 1 to 25, गृहस्थ कब तक, 25 to 50, वानप्रस्थ कब तक, 50 to 75, सन्यास कब, 75 to 100। तो हमने लाइफ को भी चार पार्ट पे डिवाइड कर दिया, किसमें, धर्मशास्त्रों में, क्या कहते हैं, 1 to 25 years क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद आपका उसके आता है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन को जिएंगे, उसके बाद आता है आपका 50 onwards वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ में तो रहेंगे बट साथ में समाज सेवा के कार्य भी करेंगे, और 75 के बाद सन्यास आश्रम में आता है कि आप सिर्फ ईश्वर भक्ति करेंगे। ऐसा धर्म शास्त्र में डिवाइड किया है। वैसे ही चार वर्ण हो गए आपके, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। नाउ कमिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस, कौन कौन सी थी, ब्रह्म विवाह क्या होता है, मैरिड अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की गाइडेंस के अंडर जो विवाह होता है वो होता है ब्रह्म विवाह। देन प्रजापत्य विवाह,
when both enjoy equal rights in respect of धर्म, अर्थ और कर्म, दोनों अगर इक्वल राइट एंजॉय करते हैं, धर्म और अर्थ और कर्म, वो आपका प्रजापति हुआ। अर्ष विवाह, अर्ष विवाह क्या होता है? ब्राइड के फादर में, इट मींस दुल्हन के फादर क्या करेंगे? मैरी गर्ल आफ्टर गेटिंग पेयर ऑफ बुल और काउ, एक पेयर बुल और काउ का उनको दिया जाएगा, तब वो अपनी कन्या का विवाह करेंगे, दैट इज कॉल्ड अर्ष विवाह। देन देव विवाह, डॉटर ऑफ प्रीस्ट टू ग्रूम, अब किसको प्रीस्ट, किसको लौटो देंगे? वो प्रीस्ट ग्रूम, जो पुजारी होंगे उनमें विवाह करेंगे। देन असुर विवाह, असुर विवाह में क्या होता है? ब्राइड वॉज ऑफर्ड टू ग्रूम इन एक्सचेंज फॉर मनी टेकन, अब कन्या का जो पिता होता है वो मनी लेता है, किससे? ब्राइडग्रूम से लेता है, क्यों? विवाह के लिए। तो ये आपके अलग अलग तरह के विवाह हो गए। ब्रह्म विवाह में क्या हुआ? अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स। प्रजापति विवाह, व्हेन बोथ एंजॉयड इक्वल राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ धर्म, अर्थ एंड कर्म। अर्ष विवाह, ब्राइड फादर मैरी गर्ल आफ्टर गेटिंग पेयर ऑफ बुल एंड काउ। देव विवाह, डॉटर टू प्रीस्ट ग्रूम, प्रीस्ट ग्रूम को देना। असुर विवाह, ब्राइड वॉज ऑफर टू ग्रूम इन एक्सचेंज ऑफ मनी टेकन, पैसा लेके विवाह जो करते हैं उसे असुर विवाह कहते हैं। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। हिडिंबा, हिडिंबा कौन है? वाइफ ऑफ भीमा, जो हमने बात की थी, हिडिंबा शी वॉज द वाइफ ऑफ भीमा, और उनके पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। भीम के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। मातंग, हु वॉज मातंग? मातंग वॉज द बोधिसत्व, जो कि चांडाल फैमिली में जन्म लिया उन्होंने। ही टुक बर्थ इन द चांडाल फैमिली एंड देन ही अटेन्ड द एनलाइटमेंट। फिर देखिए आप यहाँ पे महाभारत किस किस के बीच में है? था कौरव पांडव, कौरव में धृतराष्ट्र, पांडव में पांडु, और इनके बेटे थे कौन थे? दुर्योधन। यहाँ कौन थे? पांडव और पांचाली कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी का नाम क्या था? पांचाली। सो दीज वर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। इसी के साथ ये जो विवाह हुए हैं उनका नेक्स्ट विवाह हम देखते हैं, गंधर्व विवाह, व्हेन बोथ आर एग्रीड टू मैरिज, लव मैरिज का पार्ट हो गया। राक्षस विवाह, ब्राइड स्नेस्ड फॉर फोर्सेबली मैरिड टू द ग्रूम, उसको बंधक बना के बलपूर्वक विवाह करना, राक्षस विवाह। पैचा विवाह सबसे लोअर टाइप का जो विवाह है वो था, जिसमें कि जो है वो बलपूर्वक फोर्सेबली विवाह किया जाता था, दैट इज़ अ लोअर टाइप ऑफ मैरिज। सो दिस वॉज द रिविजन ऑफ कुछ पार्ट हमने स्टडी किए चैप्टर 3 और 4 के, जिसमें हमने देखा कहाँ पे बुद्ध ने अपने एनलाइटमेंट के लिए अटेन किया, फिर कहाँ फर्स्ट सर्मन दिया, कुशीनगर में निर्वाण मिला उनको, एंडोगामी क्या होती है? विदिन यूनिट मैरिज होती है, एक्सोगामी में आउटसाइड होती है, पॉलीगामी में मोर देन वन वाइफ होती है, पॉलेंड्री में मोर देन वन हस्बैंड होता है। फिर हमने देखे चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दैन वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। दैन ब्रह्म विवाह, कौन सा विवाह? मैरिड अंडर गाइडेंस ऑफ पेरेंट। द नेक्स्ट वन प्रजापति, व्हेन बोथ एंजॉयड इक्वल राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ धर्म, अर्थ एंड कर्म। अर्ष विवाह, ब्राइड्स फादर मैरी गर्ल आफ्टर गेटिंग पेयर ऑफ बुल और काउ। देव विवाह, डॉटर एट ब्राह्मण प्रीस्ट जो होता है, प्रीस्ट ग्रूम को देते हैं। असुर विवाह, ब्राइड वॉज ऑफर टू ग्रूम इन एक्सचेंज ऑफ मनी। गंधर्व, बोथ एग्रीमेंट्स कॉल्ड लव मैरिज ऑल्सो। राक्षस विवाह, स्नैच एंड फोर्सेबली मैरिड। पैशाच विवाह, लोएस्ट टाइप ऑफ मैरिज, जिसमें कि फोर्सेबली मैरिज की जाती है। तो हेयर वी कैन सी द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। हिडिंबा वाइफ ऑफ भीम, घटोत्कच सन ऑफ भीमा, मातंगा बोधिसत्व जो कि चांडाल थे, धृतराष्ट्र एंड पांडु दीज वर द टू ब्रदर्स, एंड दुर्योधन वॉज द सन ऑफ धृतराष्ट्र, पांडु सन वॉज पांडव, और पांचाली उनकी वाइफ कहलाए पांडु। कौन कौन से थे आपके? युधिष्ठिर एल्डेस्ट, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचाली द्रौपदी, उनकी मदर पांडवों की कुंती, और कौरवों की मदर गांधारी। कौरव कितने? 100। सो एंड इन सब के जो गुरु थे वो कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के एक और शिष्य थे एकलव्य। एकलव्य ने क्या किया था? एकलव्य ने अपनी गुरु भक्ति का इंट्रोडक्शन देते हुए ही कट हिज थंब, कि वो ही वॉज अ वेरी ग्रेट आर्कियर, वो बहुत बड़ा धनुष था, एंड व्हेन ही एम्ड दैट पर्टिकुलर डॉग
जिस डॉग के उसने मुंह पे बहुत सारे तीरों से उसको बाइंड कर दिया था, उसको देखकर एवरीवन वाज सरप्राइज। तो द्रोणाचार्य को लगा कि नहीं, अर्जुन शुड बी द सुप्रीम, दैट्स वाई उन्होंने उससे उसका अंगूठा किससे मांग लिया, एकलव्य से मांग लिया। सो दिस इज द रिविजन ऑफ चैप्टर 3 और 4, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने यहाँ पे रिवाइज किए। सो डू रिवाइज एंड डू रीड द चैप्टर लाइन टू लाइन, सो यू विल गेट सो मैनी MCQs एंड आंसर्स आपको बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, डू रिवाइज एंड डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम द NCERT, NCERT पढ़ना नहीं बोले, टिक करना है आपको, बट यू हैव टू थिंक अबाउट द आंसर फर्स्ट। जब पूरा कंटेंट क्लियर होगा तभी आप राइट आंसर को टिक कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।